गुड मॉर्निंग गोवा, वेलकम टू व्लॉग। नमस्ते, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आज के नए व्लॉग पे। और अभी जाग तक केरा मेरे साथ में और पीछे आप इसका पोस्टर देख रहे हो yeah. और आज हम जा रहे हैं ओल्ड गोवा साइट सीन के लिए। ओके, यस, ओल्ड गोवा, ओल्ड गोवा। वी आर गोइंग टू ओल्ड गोवा। टुडे आई गोइंग टू ओल्ड गोवा। आई लाइक this cathedral, yes. Saint-François d'Assise. And c'est l'endroit, il faut le dire en français aussi. Oui, oui. C'est l'endroit que je visite dès que j'arrive à Goa, tous les ans quand je rentre de Paris à Goa. C'est l'endroit à laquelle où je visite tout. La première endroit où je vais, c'est à cette cathédrale qui est magnifique et je pense qu'il me porte aussi bonheur. Et je pense que bon, je suis dans un canton catholique. Okay, my friends, then right now we are going to Old Goa and we will see, we will visit there the ancient cathedral and church and bishop house, all of the things, and we will show you shortly. Okay. तो दोस्तों, जैसे अभी रवाना हो चुके हैं यहाँ से और अब ओल्ड गोवा के लिए बस पकड़ के हम इधर से जाएंगे, तो चलते हैं यहाँ से ओल्ड गोवा के लिए। आपको दिल्ली में इस टाइप की यहाँ बार वगैरह काफ़ी इधर मिल जाएंगे, आप देख रहे हो काफ़ी गोवा में ये चीज़ नॉर्मल है। तो दोस्तों, जैसे अभी हमारे जो कनका जहाँ रह रहे हैं वहाँ के बस स्टैंड वहाँ पे खड़े हैं और अभी कर रहे हैं बस का वेट और यहाँ से जाएंगे मापसा से फिर पंजी और पंजी से फिर ओल्ड गोवा। हम बाई बस ही ट्रैवल करेंगे, वैसे हम बाई टैक्सी या बाई ऑटो जा सकते हैं बट ये हम ले नहीं रहे यहाँ से। तो बस आगे बैठते हैं बस के अंदर। आ लीजिए कंटिन्यू। तो हम 200 ले लो जाग कर, मुझे भी सीट मिली नहीं तो हम बस में खड़े जा रहे हैं मापसा तक। जस्ट फाइनली हम जो मापसा का बस स्टैंड है वहाँ पहुँचे अभी। तो अभी हमने ये वाली हेट ली है शॉप से और इसने भी ये वाली खरीदी है जाक ने। तो दोस्तों, जैसे अभी मैंने ये हेट खरीदी है क्योंकि गांव में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो अब अभी हम वापस यहाँ से बस लिए पंजी के लिए और यहाँ से पंजी फिर ओल्ड गोवा। बोलो छोटू, बोल यार पंजी डायरेक्ट। जस्ट फाइनली पंजी में भी अराइव हुए हैं दोस्तों। जस्ट मैंने और जाग दे किरण ने भी हमने ओल्ड गोवा के लिए बस ली है, बस पंजी से चेंज कर ली हमने। तो जस्ट फाइनली हम अभी ओल्ड गोवा पहुंच चुके हैं और पीछे की साइड जो आपको चर्च दिखाई दे रहा है, अब वो चर्च देखने के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे गोवा में इस टाइप की जो शर्ट आपको अक्सर देखने के लिए मिल जाएंगे जहाँ पर ये पाम ट्री है उसकी जो फोटोज़ वगैरह होती हैं। और वो बिल्कुल जो सामने एक चर्च है वहाँ भी हम देखने के लिए जाएंगे। और इस साइड एक चर्च जो आपको थोड़ा सा दूर ओल्ड चर्च है काफ़ी, वो उस चर्च को भी हम देखने उसको भी जाएंगे यहाँ पर। और जाक और केती उधर जा रहे हैं तो चलते हैं इनके पीछे, क्योंकि जाक ही नो बेटर देन मी। अभी चलते हैं, प्योर वेज रेस्टोरेंट है, कुछ खाने के लिए भूख लग गई। दोस्तों जस्ट तो हम रेस्टोरेंट में भी बैठ गए हैं और केती ने कुछ ऑर्डर किया था इसका आ गया और मैं और जाक अभी बैठे हैं। और देख लीजिए आप व्यू चारों ओर से। और अब खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं, देखें। लेकिन काफ़ी कॉस्टली रेस्टोरेंट्स है अकॉर्डिंग टू गोवा, लेकिन कुछ ऑर्डर तो यहाँ पर हमें करना ही है। तो अब करते हैं आज अभी का लंच। तो अभी दे लीजिए दोस्तों, जिस सब संत जो कैथरीन चर्च है और जो ओल्ड गोवा में स्थित है बिल्कुल उसके सामने खड़ा हूँ मैं यहाँ पे। तो दोस्तों जस्ट मैं हूँ ओल्ड गोवा के अंदर और ओल्ड गोवा में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये संत कैथरीन का चर्च है। और ये यहाँ पे जितने भी आप पुराने पत्थर वगैरह देख रहे हो ये लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी के हैं। और जो इन्होंने जो आसपास जो समुद्र है जहाँ पे यहाँ पे पोर्टुगीज से पहले जो है राजा महाराजा हुआ करते थे, सभी हिंदू आर्किटेक्चर के स्टेचूज वगैरह हैं। और ये यहाँ पे इन्होंने एक म्यूजियम बना रखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो यहाँ पे ये और ये रखी बिल्कुल, देखिए आप जो आप बिल्कुल आपके सामने देख रहे हो क्रॉस का निशान है। और ये बिल्कुल जो आपके सामने चर्च है ये सन 1510 में इसका निर्माण किया गया था और 1550 में इसको और ज़्यादा बड़ा किया गया और 1952 में इसको रिनोवेट किया गया था इस वाले चर्च को। आगे दो बुर्ज है और आगे की तरफ अपन पिल्लर वगैरह देख रहे हैं जो पुरानी जो पुराना आर्किटेक्चर है जो एक एक्चुअली जो पोर्तुगीज आर्किटेक्चर है वो वाला पूरा इसमें है। तो ये भी देख लीजिए, तोप वगैरह पड़ी, ये सभी लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी के जो पुराने जो अवशेष वगैरह हैं जिनको यहाँ आसपास के जो फोर्ट वगैरह वहाँ से मिला। और ये देख लीजिए आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है इसके अंदर और बिल्कुल चर्च के बाहर की तरफ ही है ये। तो आप ये देख लीजिए चर्च काफ़ी बड़ा है और उस साइड से भी आप देख रहे हो ये अभी चर्च है, ले चर्च अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और म्यूजियम यहाँ पर बना हुआ जो अलग है।
तो ये देख लीजिए, जो सेंट कैंथनी चर्च है काफी बड़ा है, ये वाला चर्च का पार्ट है। और इधर ही जो इनकी म्यूजियम वगैरह बने, पूरे बिल्डिंग्स सब वगैरह, पूरा पूरा जो आर्किटेक्चर देख रहे हो पोर्तुगीज जो आर्किटेक्चर है वो वाला इसके अंदर है। और बहुत बड़ा यहाँ पे एक पार्क बना हुआ है। और जस्ट दूसरी साइड में आप यह चर्च देख रहे हो, ये सेंट फ्रांसिस चर्च है उस साइड में। धन्यवाद इन सूट बूट वाले भाई साहब का, जिन्होंने हमें इधर का रास्ता बता रहे हैं। ये तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये सबसे जो पुराने पार्ट में से एक है। और इस वाले पार्ट को अभी इन्होंने म्यूजियम में जस्ट अभी कन्वर्ट किया। और देखिए फाइनली अब आ चुके हैं म्यूजियम के अंदर, यहाँ पे पिलग्रिम्स ऑफ फेथ। तो दोस्तों जस्ट फाइनली जो पीछे एक म्यूजियम बना हुआ था वो देख के आ रहे थे, बट अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो अंदर मैं गया नहीं। और मेरे बैक साइड में आप जो सेंट कैथरीन चर्च है वो देख रहे हो, उसी पूरा उसी का पार्ट है। और जो म्यूजियम है तो इन्होंने बड़ा म्यूजियम आप देख सकते हो। और जस्ट बैक साइड में ये देख लीजिए सेंट, और इस साइड भी आप पूरा देख लीजिए, ये पूरा पूरा जो देख रहे हो आप चर्च का ही पार्ट है। तो दोस्तों जस्ट अब मैं आ चुका हूँ उसी में जहाँ पहले हम घुसे थे, उसी चर्च में। ये दूसरा चर्च है जो सेंट कैथीड्रल को समर्पित है, तो वो आप देख लीजिए यहाँ पे, आप देख लीजिए जीसस क्राइस्ट स्टैचू यहाँ पे है। और अब मैं आ गया हूँ दूसरा जो यहाँ पे चर्च है, ये आप देख लीजिए बिल्कुल, ये वाला चर्च है, ये है 17th century का चर्च बना हुआ ये। और जो हमने पहले देखा था वो था 16th century का। तो ये चर्च इसी जो पार्ट था, जो कॉम्प्लेक्स था, उसी कॉम्प्लेक्स में दूसरा चर्च भी यहाँ पे है। मतलब यहाँ पर दो चर्च है, जो पहला हमने देखा तो 15th और दूसरा ये 17th का है। तो आप देख लीजिए बिल्कुल मैं पास में आ चुका हूँ चर्च के। और जो पूरा पुरका जो आर्किटेक्चर है और पुर्तगीज जो आर्किटेक्चर वो वाला है, पिलर्स वगैरह आप देख लीजिए काफ़ी डिजाइन यहाँ पे इसमें चेंज। और अब चलते हैं यहाँ से हम अंदर की तरफ। तो आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, इसके अंदर जितने बड़े संत हुआ करते थे उनको इसी के जो चर्च है उसके नीचे दफनाया जाता था। और यहाँ पे लोग पैसे भी डाल रहे हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए, अपने देवता से, अपने ईश्वर से इसके अंदर। और आप ये देख लीजिए जितने भी आप पेड़ वगैरह देख रहे हो यहाँ पे, ये सभी नारियल के पेड़ हैं। और बिल्कुल जो चर्च है ओल्ड गाँव में जहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ, सेंट कैथेड्रल चर्च, उसके चारों ओर ये पूरे पूरे पेड़ लगे हुए हैं। और ये बिल्कुल आपके सामने अपन देख रहे हैं, ये है चर्च जिसको मैं अभी अंदर से देख के आया हूँ। Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? J'ai mal au pied. Voilà, encore c'est où? C'est ici là? Monsieur Jacques de Kera. तो दोस्तों जस्ट अभी मैंने जो सेंट कैथरीन और सेंट कैथेड्रल चर्च है वो विजिट कर लिया है। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से ओल्ड गोवा में जो पुराने विलाज है, जो पुराने हाउसेज है वो हल देखने। और यहाँ की जो रोड्स वगैरह हैं, जो अपन स्ट्रीट वगैरह कह सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। तो मैं वो देखने के लिए जा रहा हूँ। जैक ही इज विथ मी। मैं ओल्ड गोवा जो मतलब जहाँ अभी तक जो मैंने देखा है उसमें सबसे सुंदर अभी तक मुझे ओल्ड गोवा ही लगा है। और देख लीजिए बिल्कुल फूड्स बेचने वाले छोटे छोटे, इन्होंने सभी ने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। और मैं वो भी जस्ट गांधी सर्किल पे, जो हो गांधी जी की, महात्मा गांधी बापू नमस्कार। और बिल्कुल मैं जो ओल्ड गोवा में जो मेन सर्किल है वहाँ पे खड़ा।